अब मुझे तो लगे भाई ज़बरदस्त भूख, क्योंकि वर्कआउट करके आया और कुछ भी नहीं खाया हो, और इसको हलीम खाना था इसको। अबे यार क्या क्या झूठ बोल रही है। तो लास्ट वीडियो में एक चीज़ मैंने बोली थी कि भाई हम लोग का प्लान बन रहा है मोहम्मद अली रोड जाने का, मेरा और कलीम का। कलीम भाई ने फ़ोन ही नहीं उठाया ना मुझे पता था छुट्टी वाले दिन है, पर कलीम भाई फ़ोन नहीं उठाएंगे ना, सामने से फ़ोन करेंगे, तो प्लान चौपट हो गया। मैं तो जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। किसके साथ? हमारी मेहरारू दीप्ति के साथ निकल रहा हूँ। दीप्ति यहाँ नहीं है, दीप्ति उसकी मम्मी के घर पर, इरेन भी वहीं है, तो इरेन को अभी बस उसने सुला दिया है। तो मैं और दीप्ति जा रहे हैं जोगेश्वरी। अब जोगेश्वरी में क्यों? क्योंकि हलीम ही खाना है उसको, एक्चुअली हलीम खाना है। लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तभी भी उसको हलीम खाना था, पर तभी हलीम खा नहीं पाई क्योंकि पेट भर चुका था। तो इस बार पेट खा लिए, अब पहला जाके उधर ढूंढना है हलीम। तो वैसे तो हम लोग लास्ट टाइम कुरला में खाने वाले थे, बट जोगेश्वरी में मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिला तो भटकेंगे, जहाँ हलीम मिलेगा वहाँ खाएंगे, पर खाएंगे आज। तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, जाता हूँ दीप्ति को लेने के लिए। आराम आराम से चलाया ना, सिग्नल विग्नल फांग के नहीं नहीं, मिर्चों की से जरा माइक लगा लो, तुम भी चाहिए तो परास। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे वैशाली नगर के बाजू में ही, हलीम का देख लिया हम लोगों ने, हलीम मिल रहा है तो यहीं पे बाजू में एक मार्केट से पहले हम लोगों ने स्कूटर लगा दी और अभी हम लोग निकल रहे हैं हलीम खाने के लिए। हाँ, क्योंकि पार्किंग वहाँ नहीं था तो थोड़ा दूर है। और बहुत ज़्यादा खिचपिच है वहाँ पे, तो थोड़ा अंदर गली में लगा दिया, तो यहाँ से कोई उठा ना ले बस। अब मुझे तो लगे भाई ज़बरदस्त भूख, क्योंकि वर्कआउट करके आया और कुछ भी नहीं खाया हो, और इसको हलीम खाना था इसको। अबे यार क्या झूठ बोल रही है तेरी शक्ल बता रही है अभी, तू तेरे मन में आ गया तुझे शॉपिंग करने का यहाँ पे, झूठी स्माइल। अरे नहीं भाई, ये तो पचका हो गया रात के 1 बजे, इसको अभी शॉपिंग करने की। मैं सोचा था कुछ खाएंगे पर ये लग गई है। 700 कितना? 700 का ये वाला, वो लेना, वो थोड़ा एलिगेंट लग रहा है वो वाला। पीछे देख रहे हो शॉपिंग चालू है इधर। चालू तो होने दो ऑफिस, मगर पहले तो क्या प्रॉब्लम? मेरे को प्रॉब्लम नहीं है जो लेने का ले ले भाई, ये भी अच्छा लग रहा है। ये छोटा नहीं आएगा तुम, ये आप दुकान में ले जाएगा, 800 रुपये। वहाँ पे नहीं, चल चल डायपर ऑनलाइन मंगा ली था बस हो गया। अभी तो कितनी देर करने वाली है, मेरे को भूख लग रही है, तो पहले खा लेते फिर चलना भाई। हाँ सिर्फ देख रही है ना, समझ गया मैं। हाँ बोल, पहले चल खाएंगे इसके बाद देख ले, रात भर चालू रहता मार्केट, टेंशन मत ले। अबे चल ना, ये वाला कौन सा है? अरे चल भाई, अरे चल ना भाई, अरे चल ना भाई, क्या कर रही है तू? और कितनी दुकान रुकने वाली है? पायल है तो 300, बिना पायल के 200। अच्छा, ये आ गई पुलिस और सब कुछ हो रहा है, पर पायल वाला ट्रेंड तो इसकी शॉपिंग के चक्कर में सब बंद हो गया। एक हलीम वाला दिखा था मुझे, वो भी बंद हो गया। फिर एक आदमी को पूछा, भाई इधर हलीम किधर मिलेगा? बोलता हलीम तो हैदराबाद में मिलता है भाई, इधर थोड़ी मिलता है। मैं सब निकला यहाँ तक, मैं बोला कुछ बोलूँ, मैं बोला जाने दो भाई, रात को मैं का रोजा लग रहा है भाई इसको, मतलब फिर कुरला में मिलता है वो क्या है, फिर समझ रहे हो टाउन में मिलता है वो क्या है, मालवनी में मिलता है वो क्या है। हम लोग मालवनी इसलिए नहीं गए क्योंकि मैं खाया मुझे इतना पसंद नहीं आया, थोड़ा अच्छा वाला यहीं कहीं मिलेगा मैं सोचा था, पर जोगेश्वरी में नहीं है। एक मिला वो भी बंद हो गया। तेरी शॉपिंग वैसे मैं सीन देख रही थी, देख रही थी, कोई ली तो है नहीं, तो देखो कम से कम लेती तो भी समझ में आता कि हाँ ठीक है चल अभी ढूंढेंगे। तो हम खाने की तलाश में निकल रहे हैं, अब जो मिला खा लेंगे। क्या बोले? खाने की तलाश में निकल रहे, रात को 2 बजे क्या करूँ अभी मैं, चल देखते हैं, भूख लग रही है बहुत जोरों की। हाँ भाई, हमको मैक्रोस पूरे करने के मेरे, चल भाई कितना कैलोरीज खाने का मेरे को अभी, सिर्फ मेरा प्रोटीन पूरा हो रहा है दिन का,
बाकी कैलोरीज तो हो रही नहीं है। अदर लिखा है वहाँ पे, लिखा है हलीम, समझ रही है, वहाँ हलीम लिखा है, अभी पूछना पड़ेगा हलीम के। चलो ट्राई करते हैं। भाई हलीम है क्या इधर? हलीम मिलेगा? अच्छा इधर था क्या? खत्म खत्म हो गया, मेरे नसीब में ही नहीं है क्या हलीम? आगे देखते हैं ना, देखते फिरते मिलेगा तो मिलेगा। ते काउंटर से परे हलीम नहीं रख सकते कैसे? तो फाइनली हलीम मिला, लखनवी बोला, लखनवी टुंडे कबाब के पास, मैंने बोला था ना मिलेगा, मिल गया। चलो अभी बैठ के जरा खाते भी, फाइनली भैया बोलता है यही डिनर कर लेते लखनवी, लखनवी टुंडे में, इधर के कबाब एक नंबर। आप मुझे लेके आए थे याद है? हाँ, ये एक नंबर मालपुआ है, पर तू मालपुआ खाती नहीं है, प्रॉब्लम है। अरे अच्छा रहता है मालपुआ में ना, एक मालपुआ में दो अंडे रहते हैं, तो अगर बोलेगी ना तो चार अंडे भी डाल लेगा, चार अंडे का मस्त 24 ग्राम 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा तेरे को। आजकल खाना पकाने में जो शेफ है उसमें मेल लोगों की मेजॉरिटी बहुत हो गई है। इतिहास गवाह है, आदमी ही सबसे बेहतरीन खाना बनाता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो नीचे जरूर कमेंट करके बताना, आदमी लोग ज्यादा बेटर शेफ है कि नहीं? पर जहाँ पगार मिलते ना वहाँ काम करते, फुकट रहेगा तो काम नहीं करते। घर में हम नहीं बनाते खाना, मेन तो वो है ना, मेन क्या बात हुई, मेन है कि खाना कौन ज्यादा अच्छा बनाता है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी अलग बात है, माँ के खाने का स्वाद अलग रहता है, भले से वो कैसा भी रहे वो अलग ही बात है। देख हिरेन मेरे खाने की तारीफ करेगा पर बोलेगा मम्मी अच्छा बनाती है, बस क्यों? मम्मी अच्छा ही बनाती है, डैडी के हाथ का ज्यादा पसंद आएगा उसको। वो तो तुम्हारा दिल रखने के लिए बोल दे। बेटा दिल तोड़ने में ज्यादा एक्सपर्ट है। कैसा लगा तुझे फर्स्ट रिएक्शन कैसा है? मैंने कभी खाया नहीं है, बट सुपर ऐसा लग रहा है, पूरा चीज में भरता। चीज नहीं है वो, सिर्फ गोश है। हाँ पर मैं टेस्ट बता रहा हूँ ना, मतलब घुल रहा है मुंह में। तो इसका फर्स्ट टाइम हलीम खाने का था और मैंने भी खाया, बहुत जबरदस्त है। एक कैच है मगर बहुत ही महंगा है। तो अभी हम लोग खाने में, अभी ये तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए था क्योंकि इसको कभी खाई नहीं थी, इसको खाना था एक बार। तो अभी खाने में हम लोग एक्चुअली नल्ली निहारी सोच रहे हैं मंगाने के लिए, और क्या तवा पुलाव, चिकन तवा पुलाव, देखते हैं उसके बाद में कुछ ताकत बची खाने की तो खा लेंगे। वैसे यहाँ के टुंडे कबाब बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अगर आप वो खाओगे ना सब घुल जाता है और आपको ऐसे स्मेल आएगी, सुगंध, एक बोलते हैं कैसा मसाला, कौन सा मसाला है पता नहीं वो, बट बहुत ठंडा और एकदम मस्त लगता है यार, एकदम खुशबू आप मतलब जाएगा ना आपके, खुशबू आपको समझ में आ जाएगा क्या खुशबू है। पर एक कैच उसमें ये है, 270 रुपये की सिर्फ चार पीस आते हैं, बहुत महंगे। तो पुलाव कैंसिल, उन लोगों ने बोला कि यहाँ की लखनवी आप बिरयानी ट्राई करो, यहाँ की स्पेशल है। तो मैंने बोला ठीक है, मटन लखनवी बिरयानी। लास्ट टाइम है ना हम लोग जब गए थे कुर्ला मंदिर राइस खाने के लिए, अपने समीर भाई जो है एमएसके के भाई, उन्होंने अपनी वाइफ को लेके गए थे वहाँ पे सेम मंदिर राइस खिलाने के लिए, बट भाई ने चिकन खाया था, चिकन सूखा रहता है, अगर मटन खाते तो शायद बहुत अच्छा टेस्ट आता। अब पता नहीं उनको कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा हो। और अगर समीर भाई अगर कहीं और वापस लेके आना है खाने के लिए, तो ये एक रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है खाने के लिए, जोगेश्वरी में हाईवे से आओगे नज़दीक पड़ेगा आपको। तो आ गए अपनी मटन नल्ली निहारी, थैंक यू, और साथ में अपन ने लिया एक पराठा। एक नंबर, अभी जरा शुरू करते हैं खाने का और इसको जरा साइड में रखते हैं और खाते हैं। तो ये है बिरयानी, बड़ी ऑरेंज ऑरेंज लग रही है, जरा खा के देखते कैसे है, खुशबू भारी इसकी। तो ये बिरयानी में मसाला एक्सपेक्ट मत करना, बहुत ही ब्लड है, खुशबू बहुत अच्छी है, गोश्त एक नंबर है, नो मसाला, निहारी बच्ची को डाल के खानी पड़ेगी, खाए नहीं जा रहा अभी, छोड़ दे, नहीं हो रहा था, नहीं चलेगा ना। तो जो लखनवी
बिरयानी, इसको चौकड़ी, इसको चौकड़ी मारो। मैं इसको क्या करूँगा, इसको पार्सल लेके जा रहा हूँ मैं, इसको शहरी में भी घर पे जाऊँगा, पहले कीमा निकालूँगा, कीमा बनाऊँगा और इसको कीमे के साथ खा लूँगा, है ना, बेटर। और इसका मैंडेटरी चीज़ पान, फिर मैं सिर्फ कितनी अच्छी देख होटल के बाहर ही पान वो देख के मेरे को और खुशी। हाँ यही खाऊंगा। अब घर जाने तक की फुर्सत है, मुंह बंद रहेगा, आराम से खा, तू आराम से खा, घर जाने तक आराम से खा, कोई खाए नहीं, आराम से, आराम से मुंह बंद कर, रुक रुक मुंह रुका हो गया है, मैं अभी मुंह बंद, मैं भी जवाब नहीं दूंगा। तो पहुंच गए, पान खत्म, मेरा तो चढ़ी तभी खत्म हो गया था स्कूटर से। जाओ भी सो जाओ, बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। क्या कर रही निकालना, अंदर रख देना, पानी भर देना, बाय बाय बाय।